ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ जगह जगह ते खुल चुके आईलैट सेंटरां दे उत्ते हुण सरकार सिकंजा कसदी नजर आ रही है। गल की जाए तो नजायज़ तौर पर यानी कि इलीगल तौर पर जे आईलैट सेंटर चल रहे हैं उन्होंने उत्ते सिकंजा कसया जा रहा। तस्वीर हैं बटाला दे जलंधर रोड के उत्ते जिथे कि चिट्टी ग्राउंड के सामने आईलैट सेंटर काफ़ी वड्डी मात्रा च खुले हुए हैं। तो अज इत्थे नायब तहसीलदार बटाला दे वल्लों अपनी टीम के नाल उन्हां आईलैट सेंटर से जाके छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कागजात चैक किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि इन्हां दे कोल लाइसेंस है जां नहीं है, जां फिर फायर सेफ्टी दे जिहड़े उपकरण ने वो इत्थे फिट किए हुए ने जां नहीं किए हुए। इन्हां चीज़ां नूं लैके जे गल की जाए तो तहसीलदार जो नायब तहसीलदार लखविंदर सिंह ने वो इत्थे अपनी टीम नाल पहुँचे हुए हैं। कुछ सेंटर इन्हां दे वल्लों बंद भी किए गए हैं क्योंकि उन्हां दे कोल पूरे कागजात नहीं सन। तो दूसरे पासे तुसीं देख सकते हो कि इस आईलैट सेंटर दे विच वी जिहड़ी है टीम की छापेमारी की गई है। आईलैट सेंटर चल रहा सी पर इन्हां दे कोल ना तो लाइसेंस सी ना ही इन्हां दे कोल फायर सेफ्टी दे कागजात पूरे सन जां ना ही फायर विभाग के कोलों एन ओ सी इन्हां दे वल्लों लई गई सी। तां हुण ये आईलैट सेंटर इत्थे बंद करदिआं होइआं स्टूडेंट्स जिहड़े ने वापस भेजे जा रहे हैं। गलबात कर लैंदे आ, साडे नाल इत्थे मौजूद ने फायर ब्रिगेड के अधिकारी। सर की नाम अपना जी? मेरा ओंकार सिंह, सब फायर अफसर बटाला जी। की कुछ अज चैक किया जा रहा इत्थे आके सेंटर? ये गवर्नमेंट वालों हदायत है कि जिथे भी कोई भी कमर्शियल अदारा पब्लिक गैदरिंग होंदी आ उत्थे एक तो फायर सेफ्टी के प्रबंध प्रबंधकों वालों किए होने जरूरी चाहिए आ, तो एक संबंधित महकमे के कोलों एन ओ सी जरूर लैनी चाहिए आ। किन्ने कु सेंटर से हुण तक तुसीं ये छापेमारी कर चुके? तकरीबन चिट्टी ग्राउंड दे विच डोमिनस दे सामने सारी बिल्डिंग नूं आपां नोटिस दे चुके हैं। आप जिहड़ी डोमिनस दे नाल दी साइड आ इहनूं भी एक साल पहलां आपां सारी नोटिस दे चुके हैं, पर सेंटर वाले कोई एन ओ सी नहीं अपलाई कर रहे ते ना ही कोई प्रबंध करा रहे आ। जदों इन्हां दे कोल फायर सेफ्टी दे कागजात नहीं हन जां फायर सेफ्टी दे उपकरण नहीं लगे हुए तो किन्ना को खतरा इत्थे पढ़न वाले नौजवानां नूं जां स्टाफ नूं हो सकदा? बिल्कुल जी, खतरे वाली गल आ क्यों कंजस्टड रास्ते जिहड़े आ बड़े भीड़े भीड़े आ। तुसीं देखे ही आ एक बिल्डिंग दे विच चार चार आईलैट सेंटर आ, हुण चार फ्लोर हो गए उहदे विच तुसीं 150-150 बच्चा भी ला लो ठीक आ, ते उह जे कह लो भई उत्थे कोई भूचाल आ जांदा जां कोई अग लग जांदी आ उह सारे दे सारे बच्चे उह इक ही टाइम दे विच उही उह छोटियां जिहियां पौड़ियां तों नीचे आ सकदे आ। उत्थे हफड़ा दफड़ी मचण नाल किसी दे चोट लगेगी। सेंटर च गए हो, किन्ने सेंटर नूं अज नोटिस दे के आए हो? अज आपां ने इस वेले तक 8 नोटिस दे चुके हैं जी, ते किसे कोल भी फायर सेफ्टी दी ना तां एन ओ सी आ ते ना ही किसे दे प्रबंध कीते गए आ जी। बिल्कुल, इस साडे नाल फायर ब्रिगेड दे अधिकारी जिन्हां दा कहना सी कि अज सवेर तों ही आईलैट सेंटर दे उत्ते चैकिंग की जा रही है नायब तहसीलदार साहब की टीम दे विच शामिल हो के, तां जिन्हें भी बटाला दे विच चिट्टी ग्राउंड के सामने आईलैट सेंटर ने उन्हां दे विचों 8 दे कोल एन ओ सी नहीं सी फायर उपकरणों लैके जां फायर सेफ्टी लैके। साडे नाल नायब तहसीलदार भी इत्थे मौजूद ने, गलबात कर लैंदे आ। सर की कुछ हदायतों के अनुसार ये चैकिंग की जा रही है? महाजा डिप्टी कमिश्नर जी दी हदायत अनुसार चैक किए जा रहे हैं। इत्थे जिहड़े बिना लाइसेंस तो अपनी स्टडी करा रहे आईलैट करा रहे जां इमीग्रेशन जो भी वर्क कर रहे उन्होंने क्लोज करा रहे हैं, बिना परमिशन वाले सेंटर बंद किए जा रहे हैं। सर किन्ने को सेंटर के उत्ते हुण तक तुसीं चैकिंग की है, तो किन्ने सेंटर बंद किया जां किन्ने सेंटर नोटिस दिता? 8 सेंटर चैक कर रहे हैं जिस 2-3 ठीक पाए गए आ, बाकी गलत पाए गए जी। बाकी ने अपलाई किया वा, जिन्ने चिर उन्होंने लाइसेंस नहीं मिलता उन्ने चिर उन्होंने क्लोज किया गया। तो हुण आईलैट सेंटर उन्ना चिर बंद ही रहेगा? हाँ जी। नुकसान कितना हो रहा है जो कह जाए सरकार का या फिर आम जनता? नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है जो बिना लाइसेंस तो जो
करा रहे स्टडी। लाइसेंस की कोई फीस भी होंगी? बिल्कुल होंगी है जी। कितनी फीस होंगी? सरकार वालों निर्धारित की फीस है, वो गुरदासपुर एम ए ब्रांच ऑनलाइन अप्लाई करके मिलते हैं जी। कितना कितने जो लाइसेंस नहीं अप्लाई करते तो वो फीस जी सरकार के खाते जानी, वह तो नुकसान हो ही रहा ना? वो जो लाइसेंस नहीं बनाया तो नुकसान ही है जी। हाँ जी, ता ही तो क्लोज कर रहे हैं। हूँ अगे भी छापेमारी इदा ही चैकिंग चाली रहेगी? चल रहा है जी। हाँ जी, अज ही शुरू किया जी। जी बिल्कुल, कितना कितना तुम देख सकते हो कि जगह जगह पर जेरे आईलैट्स सेंटर खुल चुके हैं, जिन्हों के बच्चे पढ़ाई करके आईलैट्स करके बाहर जाने की फिराक च रेंगे ने, वो कितना कितने ऐसे आईलैट्स सेंटर भी हैं जेडे कि बिना लाइसेंस तो बिना फायर सेफ्टी तो चलते नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने सेंटर की अज चैकिंग भी की जा रही है। बटाला के नायब तहसीलदार लखविंदर सिंह की अगवाई तुम देख सकते हो तस्वीर कि किस तरीके आईलैट्स सेंटर जो ने इतने बंद किए जा रहे हैं। तो जो गल की जाए तो जेडे इतने बच्चे से तुम देख सकते हो तस्वीर कि उन्होंने बच्चों भी बाहर कढ दिता गया है। तो ये आईलैट्स सेंटर जो ने उदों तक बंद रखे जाएंगे जो तक ये अपना लाइसेंस नहीं लै लेंगे, या फिर फायर सेफ्टी के जेडे कागजात ने या फिर NOC है वो पूर्ण तौर पर पूरी नहीं कर लेंगे तद तक ये आईलैट्स सेंटर जो ने इस तरीके ही बंद रहेंगे। दूसरे पास तुम्हें मैं दिखा देना चाहना कि तुम देख सकते हो कि इस तरफ भी ये आईलैट्स सेंटर इस तरीके ही बंद किए गए हैं, क्योंकि ना तो इन्हों के कोल लाइसेंस सी अते ना ही इन्हों के कोल फायर सेफ्टी के पूरे उपकरण सन। साढ़े नाल इत्थे कुछ शहर वासी भी मौजूद ने, उन्होंने गलबात कर लें कि कहना चाहते हैं की कहोगे इस तरीके के जेहड़े आईलैट्स सेंटर बिना लाइसेंस तो या फिर बिना फायर सेफ्टी तो चल रहे हैं, किन्ना को नुकसान आम जनता नूं जां स्टूडेंट्स नूं? ये जी सब तो पहला तो पंजाब सरकार दे CM साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद, जिहड़ा कि ये उपराला पहलियां सरकारां वेले भी होना चाहिए सी, क्योंकि बच्चे जदों इत्थों अपने डाकूमेंट पूरे करके जाते हैं ये जाली डाकूमेंट बना देंगे जिन्हां को लाइसेंस नहीं, क्योंकि उन्होंने बाद च कार्रवाई तो नहीं होंगी कि लाइसेंस है नहीं, वो आईलैट्स दफ्तर बंद करके जो 150-200 बच्चा भेजता रुपया 1-2 करोड़ कमा लिया तो दफ्तर बंद करके गांह जाते लभदे नहीं। सो ये उपराला बहुत वधिया कि इन्हां दे लाइसेंस चैक किए जाण, जिन्हां दे जाली लाइसेंस ने उन्होंने भी दफ्तर बंद करा रहे हैं। नायब तहसीलदार साहब लखविंदर जी आए हैं बटाला तो, अजय पटवारी जी नाल ने, पूरी टीम आई है। सो प्रेस का भी बहुत धन्यवाद जिहड़ा कि तुसीं नाल नाल ही ये कर रहे जे, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं हो सकता। किन्ना को फायदा होगा जे इस तरीके दो नंबर च आईलैट्स सेंटर चल रहे हैं उन्होंने जो बंद करते हैं तो सरकार नू या फिर प्रशासन नू या फिर स्टूडेंट्स नू या फिर उन्होंने मापियां नू किन्ना को फायदा होगा, क्योंकि कितना कितने बच्चों नू या उन्होंने मापियां नू धोखे च रखे इतने आईलैट्स सेंटर ये जे ने अपने चला रहे? सब तो पहला तो उन्होंने डाकुआ नू ठल पएगी जे लटेरे लुटते हैं, क्योंकि गरीब साडे जिहड़े परिवार ने वो बेचारे पैलियां दीआं पैलियां वेच के 20-30 लाख रुपया जंटा नूं दिंदे आ, वह लग्जरी गड्डियां च घूमदे आ, तो वह बेचारे सड़कां च अव्वल तो उन्हां दे बच्चे जिहड़े उत्थे मौत दे घाट भी कई असीं देखे आ, तुसीं आ जिहड़े आ जंगलां थानी राह थानी जांदे आ 50-50 लाख रुपया खर्च के ते जंगलां राहीं जांदे आ। सो बाकी फायदा जिहड़ा वह मापिआं नूं भी होएगा, पंजाब सरकार नूं भी होएगा ते प्रशासन नूं भी होएगा, कि उन्नियां दरखास्तां घट आउणगी। बिल्कुल, कितना कितने आम लोगों का भी कहना है कि ऐसे आईलैट्स सेंटर के उत्ते नकेल कसी जानी चाहिए है जिहड़े कि स्टूडेंट्स या फिर उन्होंने मापियां नूं धोखे च रख के आईलैट्स सेंटर जिहड़े चलाए जा रहे। तुसीं देख सकते हो कि यह आईलैट्स सेंटर चों ही बाहर निकले जिहड़े स्टूडेंट्स ने इत्थे आईलैट्स कर रहे थे, पर फिलहाल जे गल की जाए तो ऐसे आईलैट्स सेंटर के उत्ते नकेल कसी जा रही है, गलबात भी करने की कोशिश करते हैं। छोटे वीर आईलैट्स ही करते पे थे? फिलहाल आईलैट्स सेंटर जो प्रशासनिक अधिकारियों वालों इतने पहुंच के बंद करवा दिए गए हैं। सानू कह दिया गया है कि वापस जाओ जब तक ये आईलैट्स सेंटर हुण अपने कागजात पूरे नहीं करते उदों तक ये आईलैट्स सेंटर बंद ही रहेंगे। जरूरत बन जाती है ऐसे आईलैट्स सेंटर के उत्ते नकेल कसन की जिहड़ी है स्टूडेंट्स नूं ते उन्हां दे मापियां नूं धोखे च रख के आईलैट्स सेंटर चला रहे हैं बिना लाइसेंस तो बिना फायर सेफ्टी तो बिना फायर NOC। कैमरा पर्सन परमिंदर दे नाल भोपाल सिंह पंजाब न्यूज बटाला। लभदे नहीं। सो ये उपराला बहुत वधिया कि इन्हां दे लाइसेंस चैक किए जाण, जिन्हां दे जाली लाइसेंस ने उन्होंने भी दफ्तर बंद करा रहे हैं। नायब तहसीलदार साहब लखविंदर जी आए हैं बटाला तो, अजय पटवारी जी नाल ने, पूरी टीम आई है। सो प्रेस का भी बहुत धन्यवाद जिहड़ा कि तुसीं
नाल नाल ही कर रहे जे क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं हो सकता। कितना को फायदा होगा जिहड़े इस तरीके नाल दो नंबर आईलैट सेंटर चल रहे हैं उन्होंने जो बंद करते हैं तो सरकार नू जां फिर प्रशासन नू जां फिर स्टूडेंट्स नू जां फिर उन्होंने मापिया नू कितना को फायदा होगा क्योंकि कितना कितने तो बच्चों जां उन्होंने मापिया नू धोखे च रखे इत्थे आईलैट सेंटर ये जिहड़े ने अपने चला रहे। सब तो पहला तो उन्होंने डाकुआ नू ठल पएगी जिहड़े लटेरे लुटते हैं क्योंकि गरीब साढ़े जिहड़े परिवार ने वो बेचारे पैलियां दीआं पैलियां वेच के भी तीह लख रुपया एजेंटा नूं दिंदे आ वो लग्जरी गड्डियां च घूमदे आ तो वह बेचारे सड़कां च अव्वल तो उन्हां दे बच्चे जिहड़े उत्थे मौत दे घाट भी कई असीं देखे आ तुसीं आ जिहड़े आ जंगलां थाणी राह थाणी जांदे आ 50-50 लख रुपया खर्च के ते जंगलां राहीं जांदे आ। सो बाकी फायदा जिहड़ा वह मापिआं नूं भी होएगा पंजाब सरकार नूं भी होएगा ते प्रशासन नूं भी होएगा कि उन्नियां दरखास्तां घट आउणगीआं। जी बिल्कुल कितना कितने आम लोगों का भी कहना है कि ऐसे आईलैट सेंटर के उत्ते नकेल कसी जानी चाहिए है जिहड़ी है कि स्टूडेंट्स नूं जां फिर उन्हां दे मापिआं नूं धोखे च रख के आईलैट सेंटर जिहड़े चलाए जा रहे। तुसीं देख सकते हो कि यह आईलैट सेंटर चों ही बाहर निकले जिहड़े स्टूडेंट्स ने इत्थे आईलैट्स कर रहे थे पर फिलहाल जे गल की जाए तो ऐसे आईलैट सेंटर के उत्ते नकेल कसी जा रही है गलबात भी करन दी कोशिश करदे आ। छोटे वीर आईलैट्स ही करदे पए सी प्रशासनिक अधिकारियों वालों इतने पहुँच के बंद करवा दिए गए हैं। सानू कह दिया गया है कि वापस जाओ जब तक ये आईलैट सेंटर हूँ अपने कागजात पूरे नहीं करते उदों तक ये आईलैट सेंटर बंद ही रहेंगे। जरूरत बन जाती है ऐसे आईलैट सेंटर के उत्ते नकेल कसन की जिहड़ी है स्टूडेंट्स नू ते उन्हां दे मापिआं नू धोखे च रख के आईलैट सेंटर चला रहे हैं बिना लाइसेंस तो बिना फायर सेफ्टी तो बिना फायर एनओसी। कैमरा परसन परमिंदर दे नाल भोपाल सिंह पंजाब न्यूज़ बटाला।